इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने निजी स्कूलों के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों, प्रशासकों और विक्रेताओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के इस निर्णय से अब स्कूल संचालक छात्रों के पालक को नहीं लूट पाएंगे। जैसा कि सबको पता है कि आजकल ज्यादातर बच्चे निजी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, वहाँ भारी भरकम फीस भी होती है, लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है। और उसके बाद जो बच्चों की कक्षा से संबंधित पढ़ाई की पुस्तकों की सूची स्कूल थमा देता है और उसके साथ यूनिफॉर्म सहित सारी चीज़ों की सूची भी माता पिता को दी जाती है और उनसे किसी विशेष दुकान के बारे में बता दिया जाता है, वहाँ पर ये सारा सामान मिल जाएगा। किताबें तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन वह पूरा सेट दे देता है जो लिस्ट में होती है और अधिकतर काम की भी नहीं होती, जैसे डिक्शनरी, एटलस, ड्राइंग बुक, वाटर कलर्स आदि जो जबरन दी जाती है। यानी इन सब के बहाने जो स्कूल संचालक ने लूट मचा रखी है, अब उसको पूरी तरह से बंद करने के आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं। साथ ही इस आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल प्राचार्य, संचालक या मालिक सभी दोषी होंगे।